एवरी वन वेलकम बैक टू रो अंचल अल फाइनेंशियल लिटरेसी मैं हूँ आपके दोस्त राधि सो टूडे वॉज अ वेरी फिनटेस्टिक डे एंड कल एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे प्लस में आज हमारे किस तरीके से ट्रेड कैप्चर होते थे एंड पब्लिक चैनल पर जो भी चीज़ आपको सिखाई जा रही है जो सेटअप्स बताए जा रहे हैं उसके बेसिस पर आज बहुत सारे स्क्रीन शॉट्स मुझे मिले इसलिए so, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि जो हम वीडियोज़ बनाते हैं जो एनालिसिस करते हैं उसका कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट कुछ लोगों में दिख रहा है Uh, जो उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं सो so, अभी हम जाके चार्ट पे समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो थी आज के दिन में इंपॉर्टेंट थी और हम किस तरीके से कैप्चर कर सकते थे फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले जाके आप कल की डिसेंडिंग ट्रेंगल की वीडियो देख लो क्योंकि उस डिसेंडिंग ट्रेंगल में निफ्टी में ये आवर्ली टाइम फ्रेम का पूरा स्ट्रक्चर मैंने डिस्कशन में कल ही कर लिया था 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे भी किया था कि डिसेंडिंग ट्रेंगल जब भी बनता है तो किस तरीके से मार्केट परफॉर्म करता है और आज उसी का ही एक रिजल्ट हमें देखने को मिला है यहाँ से एक बड़ा फॉल मिलकर अच्छा वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर अगर आप यहां पे बैंक निफ्टी में जाते हो तो बैंक निफ्टी में अभी इस टाइम पर समझने की क्या चीज है बैंक निफ्टी में क्या हुआ कि यहां से पूरे जो थे एक uh, चॉपीनेस हुई डाउन साइड में फिर मार्केट एक अपसाइड का मूव दिया मार्केट ने देन एक दोबारा से अपसाइड का मूव दिया और यहां पर एक इस तरीके से हमें पैटर्न बनते हुए दिखा मार्केट ने क्या किया उसको ब्रेक किया बड्डे टाइम फ्रेम पर की बात कर रहे हैं दोबारा से अपनी इसी नेक लाइन के पास एक पुल बैक लिया एंड वहाँ से दोबारा से एक फोल आया ठीक है तो अभी ये फोल जो है कंटिन्यू कर रहा है तो अभी अवाले टाइम फ्रेम पर भी अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है वो एक बियरिश वाले जोन में है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारे लिए ये लेवल है फोर्टी का लेवल और अगर आप देखोगे आज सबसे पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट था फोर्टी का लेवल जिसके बारे में मैंने बार बार डिस्कशन किया है कि फोर्टी फो का लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसी लेवल से बार बार मिलेंगे लास्ट में भी 45,000 लेवल का सपोर्ट बार बार हिट हो रहा है लास्ट में वो ब्रेक भी हुआ क्योंकि बहुत बार हिट हो चुका था और उसके बाद फिर मार्केट दोबारा से उसी लेवल के पास हमें टर्न करते हुए दिखा ठीक है अब अगर आप देखोगे क्लोजिंग तो दोबारा से हमें फोर्टी फोर नाइन नाइन फाइव के अराउंड जो भी मार्केट आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लोजिंग भी हमें उसी लेवल के पास मिली है क्योंकि जो ये साइकोलॉजिकल लेवल था फोर्टी फाइव थाउजेंड इसके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बा, बायर्स थे बहुत ज़्यादा बल्क में बायर्स थे उसको तोड़ा मार्केट ने तो नीचे तक आते हुए दिखा दो सौ सौ पॉइंट लेकिन दोबारा से टर्निंग पॉइंट वही बना था अब बात करते हैं कि आज का ट्रेड प्लान क्या था ठीक है पहली बात तो सिंपल सी ये थी कि मार्केट ना एक पुल बैक दे के गिरा है किस तरीके से मार्केट ने एक आ, इस तरीके से इन साइड कैंडल के बेसिस पर एक पुल बैक दिया डाउन साइड में उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ा सा रेंज बना रेंज से बाहर ब्रेकआउट होने की ट्राई हुई लेकिन ब्रेकआउट जो है दोबारा सस्टेन नहीं किया और फिर दोबारा से एक डाउन साइड में व्यू इसको हम फाइव मिनट पे समझेंगे तो और बेटर तरीके से समझ में आएगा ठीक है सबसे पहले तो यहाँ पे क्या समझना है कि एक हमारा ट्रेंड ट्रेडिंग सेटअप है ठीक है ट्रेंड ट्रेडिंग सेटअप जो है मैंने बहुत अच्छी तरीके से ई में सिखाया है किस किस तरीके से हम कैप्चर करते हैं हमारा प्रीमियम चैनल है और आपको मैंने पब्लिकली चैनल पे क्या सिखाया है कि आप जब भी, भी कोई ट्रेंड आए तो ट्रेंड में आपको क्या करना है आप सिर्फ रेंज का ब्रेकआउट देखो इनसाइड कैंडल देखो और उसमें घुस जाओ ठीक है डे हाई डे लो पर जब मिले उस टाइम पर आप एंट्री ले सकते हो अब अगर आप यहाँ पर देखते हो ना तो यहाँ पे एक इस तरीके से थोड़ा सा रेंज बना अगर आप इस रेंज को मार्क करोगे और समझने की ट्राई करोगे ना तो यहाँ पर एम पैटर्न आपको दिखे Giga. ठीक है दिस इज अ वेरी शॉर्ट एम पैटर्न इसका ब्रेकआउट होता है आपको मिलती है ओपोजिट कलर कैंडल इसी कैंडल के नीचे हमारी एंट्री थी और इसके ऊपर हमारा एसल था एक तो यहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट मिला उसके बाद फिर कंसोलिडेशन आया एंड फिर दोबारा से डाउन साइड में बहुत अच्छा रिजल्ट था तो यहीं से हमारा वन इज टू टेन बहुत ईजिली कैप्चर्ड था उसके बाद मार्केट क्या है कि आप अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट लिया सबसे पहले जाके फोर्टी लेवल पर कभी भी मार्केट इस तरीके से गिर रहा होता है ऑलवेज रिमेंबर ये साइकोलॉजिकल लेवल होता है इसी लेवल पर जब मार्केट आया था तब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था पब्लिक चैनल पर अपडेट किया था यहाँ पर अगर आप देखोगे कि, कि दिस इज अ रेंज एरिया रेंज एरिया मैंने यहाँ पे क्यों बोलता था क्योंकि फोर्टी फाइव थाउजेंड का लेवल मार्केट फर्स्ट टाइम अप्रोच कर रहा है उसके बाद एक बेस फॉर्मेशन भी हुआ लेकिन वो बेस बहुत ज्यादा चौपी हो गया ने बेस जो है वो इस चौपनेस में बदल गया बेस का ब्रेकआउट आया ही नहीं और उसी लेवल पर मार्केट जो है बार बार इसी में हिट कर रहा था अच्छा उसके बाद ये भी अपडेट किया कि मार्केट में पुल बैक प्लस कंटिन्यूएशन ज़रूरी है और रेंज का ब्रेकआउट हो चुका है बैंक निफ्टी में आपको ये अपडेट किया लेकिन अग, अगर आप यहाँ पर जाके देखते हो सो ये कम्प्लीट इसके बाद ये जो यहाँ से अगर मैं इस चीज़ को रिमूव कर देती हूँ जो जो ये रेंज है इसका ब्रेकआउट होने के बाद हमें ऑपोजिट कलर कैंडल या इनसाइड कैंडल नहीं मिली ठीक है अगर आप इस चीज़ को यहाँ देखते हो तो ना हमें यहाँ पे ऑपोजिट कलर कैंडल दिख रही है ना इनसाइड कैंडल दिख रही है तो हम यहाँ पर एंट्री नहीं कर सकते थे एंड उसी वजह से हम सेव हुए हैं मार्केट दोबारा से डाउन साइड में आया है दोबारा फोर्टी के लेवल को टच करा हिट किया एंड इतनी बार सपोर्ट लेने के बाद इनसाइड कैंडल पुल बैक के साथ एन पैटर्न के साथ दोबारा से उसको ब्रेक किया सेम जो हम डेली समझते पढ़ते हैं वही वही सेम प्राइस एक्शन था बात यह है कि आप उसको कितने अच्छी तरीके से समझते हो वो आपके हाथ में है ओके नाउ लास्ट में बैंक निफ्टी में अगर आप देखते हो दिस इज़ अ काइंड ऑफ डब्लू पैटर्न अब देखो डब्लू पैटर्न ना जो होते हैं दो तरीके के बनते हैं एक इस तरीके का बनता है जो सेम लेवल पर होता है एक इस तरीके का बनता है डब्लू पैटर्न ये वाला जो होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क करता है क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि यहाँ पे ये जो आ, सेलर्स होते हैं ट्रैप होते हैं तो इसलिए ये बहुत अच्छा रन देता है और एक होता है इस तरीके से डब्लू पैटर्न ये भी थोड़ा अच्छी तरीके से रन देता है लेकिन ये तीन टाइप के होते हैं ये वाला बहुत परफेक्टली वर्क करता है अगर आप ये देखोगे तो ये पैटर्न वही था ठीक है अब इस पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल के साथ हमें मिली ओपोजिट कलर कैंडल ओपोजिट कलर कैंडल का लो एसएल हाई हाइक मार्क जैसे निकले हमें यहाँ पर एंट्री करनी है एंड अपसाइड का मूव कैप्चर्ड तो सेटअप के बेसिस पर आज मुझे आ, ये कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले और बहुत सारे लोगों ने बताया भी कि सेटअप आज बहुत अच्छी तरीके से वर्क किए हैं ये एम डब्ल्यू तो मैं डेली की बात हो गई आर एस आई डाइवर्जेंस डेली की बात होगी जो डेली का डिस्कशन हो रहा है आई डोंट नो कि आप इस चीज़ को कितना फॉलो कर रहे हो बट आप लॉन्ग टर्म में इस चीज़ को जितना फॉलो करोगे जितने चार्जेस के ऊपर देखोगे ट्रेड लोगे आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल है ठीक है नाउ अब ये अगर आप ये लाइन देख रहे हो यहाँ पे मार्क डी ये लाइन भी मैंने आपके यहाँ आप, आपके पास शेयर की होगी निफ्टी में दिस इज़ द चार्ट ऑफ निफ्टी निफ्टी में मैंने क्या बोला है कि सेम डिसेंडिंग ट्रेंगल जो हमने कल बात करी थी अब इसका ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ तो इसके ब्रेकआउट में ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था ठीक है अब अगर आप देखोगे जब इम्पोर्टेंट सपोर्ट पर प्राइस इस तरीके से आके रेंज बनाता है और इस रेंज का ब्रेकआउट इन साइड कैंडल के साथ देता है ठीक है यहाँ पे रेंज बनाने की कोशिश की प्राइस ने फिर उस रेंज का डाउन साइड में ब्रेकआउट दिया क्योंकि यहाँ से जो ये बायर्स थे वो स्टार्टिंग में जो थे स्ट्रॉन्ग नहीं थे अभी ये सेम चीज़ देखना मैंने किस तरीके से ई में लाइव मार्केट में हमने ये चीज़ समझी है ठीक है यहाँ पर बेस फॉर्मेशन हुआ बेस फॉर्मेशन में क्या चीज़ बोली गई कि बेस फॉर्मेशन है लेकिन एक चीज़ हमें याद रखनी है कि सेलर्स पावर में है और एंट्री रूल्स हमारे सेम रहेंगे नाउ अब अगर आप देखोगे तो मैंने क्या डाला है कि नो ब्रेकआउट टिल नाउ एज पर रूल्स नो एंट्री अभी तक हमारी कुछ एंट्री नहीं हुई उसके बाद क्या होता है कि रेंज का ब्रेकआउट होता है और एक इनसाइड कैंडल फोमोरी होती है लेकिन फिर भी दोबारा से क्या चीज़ें बोली जाती है कॉमेंट्री में कि पुल बैग प्लस कॉन्टिन्यूएशन ही चाहिए हमें यहाँ पर एंट्री करने के लिए अब उसके बाद क्या होता है ब्रेकआउट मिल जाता है लेकिन ये जो कैंडल आप देख रहे हो इस कैंडल को सिर्फ लास्ट की टेन सेकेंड्स में ये कैंडल इनसाइड कैंडल बनते बनते रह जाती है ठीक है और ये फिर ऑपोजिट कलर कैंडल भी नहीं बनती तो मैंने क्या बोला कि लास्ट दस सेकेंड में सिर्फ इनसाइड कैंडल बनते हुए रह गई यानी हम यहाँ पर अभी एंट्री नहीं कर सकते नाउ अब एक और चीज़ मैंने उसी सेम टाइम पर क्या बोली है लर्निंग इफ द मार्केट सस्टेन्स आफ्टर ब्रेकआउट ब्रेकआउट के बाद मार्केट सस्टेन करता है बट शोज नो मूवमेंट लेकिन उसके बाद भी कोई मूवमेंट हमें दिखाई नहीं दे रहा दैट मीन्स पावर जो बुल्स है अभी वो बहुत ज़्यादा लो पावर में उनके अंदर इतनी ताकत नहीं है और अगर आप ये सेम चार्ट जाके बैंक निफ्टी में जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया अगर आप देखोगे तो इसी ब्रेकआउट के बारे में हम बात कर रहे थे यहाँ पे ठीक है इसी ब्रेकआउट के बारे में हम बात कर रहे थे यही वो कैंडल थी जो इनसाइड कैंडल बनते हुए रह गई थी और क्योंकि इतना स्लो मोमेंटम था मार्केट का यहाँ पे उसके बाद लो पावर ऑफ बुल्स एंड अगर आप देखोगे तो सेलर्स दोबारा से मार्केट को नीचे ले गए तो ये प्राइस सेक्शन है आपको जब आप डेली मार्केट देखते हो तब आपको समझ आता है ऐसे आप ऐसे दूर से बाद में एंड ऑफ द डे देख आप ये चीज़ें नहीं समझ सकते हो कुछ चीज़ें लाइव ही समझ आएंगी ठीक है एंड um, उसके बाद दोबारा से ये पैटर्न जो है था वर्क नहीं किया लेकिन जो यहाँ पर एज पर आर रूल्स बेस्ड सेटअप है कि जब भी कोई रेंज का ब्रेकआउट हो इनसाइड कैंडल मिले ऑपोजिट कलर कैंडल मिले ट्रेंड में ट्रेड uh, लेने का यही चांसेज हैं ठीक है अब उसके बाद लास्ट में दिस इज़ अ डब्लू पैटर्न इस बेस का ब्रेकआउट ऑपोजिट कलर कैंडल एंड वन साइड मूव फॉर द अपसाइड तो आज का दिन जिन जो भी सीख रहे हैं बहुत टाइम से उनके लिए बहुत बेस्ट गया अब ज्यादा बातें ना करके हम कल का कर डिस्कशन करते हैं आप सिर्फ प्राइस एक्शन समझ रहे हैं यहाँ पर जाके ठीक है हम इसको 15 मिनट पे लेके जाएंगे चार्ट को एंड अब आप यहाँ पे खुद ही देखोगे कि कहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है प्राइस आज जहाँ से घूमा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है क्योंकि वहाँ उस लेवल पर बायर्स अभी भी मेनटेंड है ठीक है इस लेवल के नीचे अगर जो प्राइस है वो निकलता है तो उसके बाद जो भी ये प्रीवियस लेवल्स आप आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पे ये सारे प्रीवियस लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेंगे ठीक है अब उसके बाद अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हो तो हमारे लिए सेलिंग प्रेशर दोबारा से कहाँ से जनरेट हुआ था इस लेवल पर और इस वाले लेवल से ये हमारे लिए फिर फर्स्ट रेसिस्टेंस बनेगा अगर प्राइसेस को अप्रोच करता है तो ये हमारे लिए बाइंग जोन है तो अगर प्राइस नीचे भी आता है तो ये हमारे लिए सपोर्ट बनेगा इसके बीच में सेलर्स एंड बायर्स दोनों रहेंगे ये चौपी रेंज है ये हमारे लिए सेकेंड रेसिस्टेंस बनेगा अगर प्राइस इसको निकालता है अपसाइड के लिए देन हमारे लिए थर्ड रेसिस्टेंस बनेगा गैप एंड देन अपसाइड के टारगेट्स ये हमारे लिए पूरे रेसिस्टेंस है और uh, जो सपोर्ट्स है वो आपको पहले ऑलरेडी बता दी जो हमारे प्रीवियस स्विंग्स है वो ये रेंज बाउंड जोन है ठीक है तो कल थर्सडे फर्स्ट एक्सपायरी है ठीक है इस मंथ की तो आप छोटे मूवमेंट जहाँ पर भी आपको लोकेशन अच, अगर अच्छी दिखे प्राइस की तो आप अच्छी पोजिशन uh, के साथ जा सकते हो अदरवाइज आप इग्नोर करो अगर प्राइस इसी वाले रेंज में रहता है तो नाउ सेम इज़ द केस विद बैंक निफ्टी एज़ वेल अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ यहाँ से देन यहाँ से एंड सपोर्ट लिया प्राइस ने इस लेवल से तो हमारे लिए यही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गई सबसे पहला रेसिस्टेंस ये और हमारी क्लोजिंग सेकेंड रेसिस्टेंस दिस वन देन हमारा गैप थर्ड रेसिस्टेंस ये हमारे लिए सपोर्ट एंड इस लेवल पर बायर्स एंड सेलर्स दोनों हैं तो इसका मतलब दोनों पावर में रहेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा चॉपिनेस इधर देखने को मिल सकती है ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पे इस लेवल के ब्रेक होने के बाद फोर्टी फोर सिक्स हंड्रेड के अराउंड फाइव हंड्रेड के अराउंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ठीक है अब प्राइस यहाँ पे गिर भी रहा है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मज़े तब आए जब क्योंकि प्राइस यहाँ पे गिर रहा है काफ़ी टाइम से ठीक है तो अगर कल चौपी ना होकर दोबारा से एक फोल दिखे और फिर लास्ट में एक या बारह बजे के बाद फिर एक पैटर्न से एक अपसाइड में रिकवरी हो तो उसमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वरना अगर प्राइस को एक फोल देना ही है डाउन साइड में तो काफ़ी फोल जो है मार्केट थोड़ा दे चुका है अगर आप इस टाइम पर जाके इंडिया विक्स भी देखते हो तो इंडिया विक्स हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा ठीक है क्योंकि जो इंडियाविक्स था काफ़ी टाइम से उसी वाले लेवल पर था लेकिन अगर आप आज देखोगे तो दोबारा से नाइन परसेंट यहाँ पर इंक्रीज़ दिख रहा है सो so, जिस तरीके से इंडिया विक्स बढ़ता जाएगा मार्केट में गिरावट रहेगी क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा ऑपोजिट जो है चलते हैं ठीक है तो इस तरीके से हमें रिएक्शन देखने को मिल सकता है कल के लिए आई थिंक मेरे सारे पॉइंट्स क्लियर है नाउ इफ़ यू वॉन्ट टू जॉइन योर यूर अगर आपको ये प्राइज बाई प्राइज़ कैंडल बाई कैंडल चीज़ें समझनी है तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा लर्निंग मटेरियल मिलेगा सीखने के लिए लाइव मार्केट में एंड ऑफ द डे मार्केट बहुत ज़्यादा चार्ट्स पीडीएफ्स ठीक है सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन योर डी पूरा डिस्क्रिप्शन आपको उसका क्या क्या उसमें होगा पूरी इन्फॉर्मेशन पब्लिक चैनल पर मिल जाएगी पब्लिक चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है और मुझसे कुछ डाउट हो तो यहाँ पर ऑलरेडी मेरी आइडिया पिन है यहाँ से आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड आई थिंक वीडियो अभी बहुत अच्छी बनी है सो यू कैन शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स विद योर सर्कल्स Take care and do subscribe the channel as well. So with this, thank you so much, be a professional trader and happy financial literacy.